हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स थ्योरम के बारे में और इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए टू बी में फंक्शन डिफाइंड है और ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई द कंडीशंस, ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा, तो पहला कंडीशन है कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में दिया है कि एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन ए टू बी मींस इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ओके, सारे वैल्यू के लिए ए टू बी के लिए। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है कि एफ ऑफ ए इक्वल्स होता है एफ ऑफ बी के, मीन्स ये जो एंड पॉइंट है इस पर जो वैल्यू है एफ ऑफ ए इक्वल्स है एफ ऑफ बी। देन तो क्या बोल रहा है कि रॉल्स थ्योरम तो क्या बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन इस ओपन इंटरवल ए टू बी, मीन्स ए टू बी के बीच एक ऐसा पॉइंट मुझे मिलना चाहिए और ये किसके साथ है कंडीशन, एटलीस्ट मीन्स एक से ज़्यादा भी मिल सकता है पर एक तो मिलेगा ही मुझे, एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए टू बी सच दैट कि डेरिवेटिव जो होगा इस फंक्शन का इस पॉइंट पे उसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल इसीलिए यहाँ पे कंडीशन यूज किया गया है कि ये जो एफ डस है, ये जो डेरिवेटिव है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये यहाँ से इम्प्ले बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। तो मुझे क्या मिला है, सबसे पहले मैं ये कंडीशन लेता हूँ पहला कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है ऑन ए टू बी। तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है, कंटिन्यूस है, तो हम लोग ये जानते हैं एक थ्योरम है जिसे हम लोग बोलते हैं बाउंडनेस थ्योरम, कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी देन ये बाउंडेड भी होगा उस इंटरवल में, और अगर बाउंडेड होगा कोई भी फंक्शन तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं वो लिख रहा हूँ, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए टू बी देयरफोर एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन ए टू बी एंड इट अटेंस इट्स बाउंड्स एंड इट अटेंस इट्स बाउंड ऑन ए टू बी। ठीक है, मीन्स फंक्शन बाउंडेड होगा और इसका जो भी बाउंड्स होगा, बाउंड्स मीन्स सुप्रीमम और इन्फीमम, ठीक है, जिस इन्फीमम जो भी होगा उसको क्या करेगा, अटेंड करेगा, मीन्स एफ ऑफ लाइक कोई भी वैल्यू अगर बाउंड को, तो फंक्शन का कुछ एक वैल्यू ऐसा मिलेगा जिसके लिए वो वैल्यू होगा उसके सुप्रीमम के इक्वल और एक बार उसके इन्फीमम के इक्वल। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज कर रहे हैं और हम लोग क्या सपोज करते हैं कि इसका जो बाउंड्स है लाइक सुप्रीमम और इन्फीमम वो क्या है, कुछ मान लेते हैं, लेट एम एंड स्मॉल एम बी दी, कैपिटल एम को हम लोग क्या मान रहे हैं, सुप्रीमम, लाइक सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ एक्स ऑन ए टू बी रिस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या माना कि कैपिटल एम क्या है, इसका सुप्रीमम है और स्मॉल एम क्या है, इसका इन्फीमम है इस फंक्शन का। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं देन कि जो सुप्रीमम होता है वो इन्फीमम से ऑलवेज क्या होता है, बड़ा होता है या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ से मिल गया कि स्मॉल एम लेस देन इक्वल्स टू होगा कैपिटल एम के। ठीक है, और एंड फंक्शन का जो भी कोई वैल्यू होगा ये इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में ही लाई करेगा ए टू बी, मीन्स फंक्शन का कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ से एक्स का कोई भी वैल्यू डालें तो वो अपने इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच ही लाई करेगा क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, ओके, ना हम लोग दो केस लेते हैं, लाइक केस वन हम लोग ये लेते हैं कि सपोज कि ये एम इक्वल्स टू दिस एम, लाइक सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है, इक्वल हो रहा है। केस वन क्या है कि सपोज कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम। ठीक है, अगर कैपिटल एम स्मॉल एम के इक्वल होगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, तो लाइक अगर मैं इस चीज़ को इक्वेशन नंबर वन बोल दो, लाइक दिस इक्वेशन हैंस फ्रॉम वन वी गेट क्या मिलेगा मुझे,
लाइक अगर मैं इसे कैपिटल एम पुट कर दूँ, ये लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी, मीन्स एफ एक्स एक्स का कोई भी वैल्यू डालें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा एम और एम के बीच, मतलब एम से बड़ा भी होगा और एम से छोटा भी होगा। ये केस तभी पॉसिबल होगा जब एफ एक्स क्या हो जाए एम के इक्वल हो जाए, एम के इक्वल हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए बी। और एम क्या है, एक कोई भी एक नंबर लाइक ए कॉन्स्टेंट टर्म है ना, ये तो वैरी नहीं करे, सुप्रीमम जो है कॉन्स्टेंट टर्म है और इनफिमम भी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो मुझे क्या मिल गया एक कॉन्स्टेंट टर्म मिल गया फंक्शन का वैल्यू। इसका ये मतलब हुआ अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये भी सही है कि फंक्शन क्या हो गया एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, एग्जैक्टली। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए बी, ये भी था तो ये भी हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए बी, मीन्स एक्स का कोई भी वैल्यू डालें उसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो। और मुझे क्या प्रूव करना है कि एटलीस्ट एक पॉइंट मिले जिसके लिए डेरिवेटिव क्या हो जीरो, तो यहाँ तो सारे पॉइंट के लिए मिल रहा है, ये तो ट्रू हो गया, ठीक है। हेंस ऊपर यहाँ हम लोग लिखेंगे हेंस देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन ए टू बी सच दैट क्या हो जाए कि एफ डैश सी क्या हो जाए जीरो। तो ये मेरा जो केस वन है ये यहाँ से मुझे मिल गया कि हाँ रॉल्स थ्योरम ट्रू है, ओके। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है एम या तो इसके लाइक सुप्रीमम क्या होता है इनफिमम से या तो बड़ा होता है या इक्वल होता है, तो इक्वल टू का तो हम लोग केस ले चुके हैं, अब क्या लेंगे ये बड़ा है, ठीक। केस टू हम लोग ले रहे हैं कि इफ सुप्रीमम क्या है इनफिमम से बड़ा है, ये केस लेके चल रहा है। अब अगर एम लेस देन एम है तो और यहाँ पे क्या है और एक कंडीशन मुझे है, ये है कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल एम को एफ ए बोल दूँ तो एफ बी कभी भी कैपिटल एम नहीं हो सकता, मीन्स एटलीस्ट एक ही वैल्यू, मीन्स एटलीस्ट एम और एम कोई एक वैल्यू क्या होगा कोई और वैल्यू लेगा, मतलब ए और बी के अलावा कोई और एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें ये कोई दो एक वैल्यू मिले, ठीक है। उसे मैं कैसे लिखूंगा, इन दिस केस वन ऑफ द बाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मीन्स एफ ए और एफ बी से एक बाउंड अलग होगा। तो लोग मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम, मैंने ये मान लिया कि इसका जो सुप्रीमम है वो पॉइंट सी पे अटेंड किया जाता है, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ लाइक दिस सॉर्ट ऑफ दिस, लाइक यहाँ पे मेरा ए है पॉइंट और इसी के जस्ट इक्वल यहाँ पे मेरा बी है, ठीक है। ये एफ ए और एफ ऑफ ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया एफ ऑफ बी हो गया, और ये दोनों क्या है इक्वल है, ओके ये दोनों इक्वल है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट सी है जहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है वैल्यू एम मिल रहा है, यहाँ पे एम अटेंड किया जा रहा है। तो ये जो है ये क्या है मेरा सुप्रीमम है, मीन्स कोई भी फंक्शन का वैल्यू होगा इसके नीचे होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सी है। अब जो डिफिनेशन होता है जो बाउंडनेस का वो ये होता है कि अगर मैं इस सी से इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल रहा है सुप्रीमम, इसके अगर लेफ्ट में थोड़ा शिफ्ट हो जाऊँ लाइक यहाँ पे, तो ये यहाँ थोड़ा शिफ्ट हुआ, या फिर राइट में भी थोड़ा शिफ्ट हो जाऊँ, तो मुझे क्या जो वैल्यू जो मिलेगा एफ ऑफ वो एम से छोटा होगा, लाइक ये जो वैल्यू होगा ये हम लोग ग्राफ में देख भी सकते हैं कि ये ऑलवेज क्या है एम से छोटा हो रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं सी माइनस एच, और इधर को बोल देते हैं सी माइनस एच, और एच क्या है एक पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जरा सा भी शिफ्ट हुए लेफ्ट और राइट तो मुझे क्या मिल गया उससे छोटा मिल गया, तो हम लोग वो यूज कर रहे हैं एफ सी इक्वल्स टू एम, लिखो बाय द डिफिनेशन ऑफ सुप्रीमम वी हैव क्या मिल गया मुझे कि एफ ऑफ क्या है वहाँ पे सी प्लस एच, मैं अगर निकालूँ
एफ ऑफ सी प्लस एच क्या होगा, वो लेस देन होगा किससे, एम से, और एम क्या है, एफ ऑफ ए के इक्वल है, सॉरी एफ ऑफ सी के इक्वल है, एम मेरा क्या है, एफ ऑफ सी के इक्वल है, तो इससे लेस देन हो गया क्वांटिटी, तो इसे मैं वन बोल रहा हूँ। और क्या मिलेगा मुझे, एंड एफ ऑफ सी माइनस एच, सी माइनस एच भी क्या है, एम से छोटा होगा, तो ये भी एफ ऑफ सी से क्या हो गया, छोटा हो गया, इसे हम लोग बोल दिए टू। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, नाउ हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन वन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, ये हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच है लेस देन है एफ ऑफ सी से। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा अगर मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ, माइनस एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। ओके अब क्या कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जो h था, h जो था वो क्या था, वो ग्रेटर देन जीरो है ऑलवेज। h जो यहाँ पे पुट हो रहा है ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, h से इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो शायद आप लोगों को दिख जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसे h क्या पॉजिटिव क्वांटिटी है तो साइन में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है, h से डिवाइड कर दिया। शायद आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो फार्मूला है ये सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का बन रहा है, डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हम लोग निकालते थे। ठीक है, तो बस यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, लिमिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब लिमिट ऑपरेट करता हूँ, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो मुझे क्या मिल गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो में ले रहा हूँ, कि h क्या है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी हम लोग लेना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। और हम लोग इसे c प्लस एच किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एफ ऑफ सी को, फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो हम लोग इसे क्या बोलते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी। तो उसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, r से डिनोट कर रहा हूँ। और ये क्या हो रहा है, डेरिवेटिव दे रहा है मुझे किस पॉइंट पे, c पे, और ये क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। ये समझ में आया, ये मेरा आर एच डी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो उस आर एच डी को मैं डिनोट करने के लिए क्या लिख रहा हूँ, r से। तो R और ये क्या होता था, डेरिवेटिव एट पॉइंट C, ये है, तो एफ डस सी, और ये क्या हो रहा है, लेस देन जीरो हो रहा है। ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, कि R ऑफ एफ डस सी लेस देन जीरो। अब मैं 2 को सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ये क्या बोले है, कि एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन है एफ ऑफ सी के, ये है 2। इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन एफ ऑफ सी, ठीक है, लेस देन जीरो होगा। अब इसे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एल एच डी बनाना होगा। तो इसे मैं कैसे लिखूँगा, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में क्या आता है, माइनस एच। ठीक है, तो मैंने एक नेगेटिव क्वांटिटी से इसे मल्टीप्लाई किया, तो ये जो साइन होगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ अब फिर से मैं क्या करूँगा, लिमिट ऑपरेट करूँगा। तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये क्या था, एल एच डी है, इसे मैं डिनोट करूँगा एल ऑफ एफ डस सी, ये क्या मिल गया मुझे, पॉजिटिव। इसे मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 में मुझे क्या मिला, कि राइट हैंड साइड से अगर मैं इसे अप्रोच करूँ तो ये नेगेटिव हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ तो ये पॉजिटिव हो रहा है। चलिए, तो ये पहला कंडीशन लेके हम लोग यहाँ तक आए। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, कि एफ एक्स क्या है, डिफ्रेंशिएबल है ऑन सारे वैल्यू ए और बी के बीच का, सारे वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए टू बी, सारे एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी के लिए ये है। और जो सी पॉइंट है मेरा, सी पॉइंट वो क्या है, ए और बी के बीच ही लाई कर रहा है, एंड C belongs to A to B, C भी A to B के बीच लाई कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन C पे भी डिफरेंशिएबल होगा,
दिस इम्प्लाय, और जब डिफ्रेंशिएबल होगा तो मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, दिस इम्प्लाय एफ डैश सी एग्जिस्ट्स, ठीक है, तो एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है। और जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वो तब करता है जब उसका एल एच डी इक्वल्स होता है उसके आर एच डी के, ठीक है, जब उसका एल एच डी इक्वल हो जाए उसके आर एच डी के। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 3 और 4 से कि एल एच डी एक बार ये बोल रहा है कि नहीं नेगेटिव साइड है, यहाँ बोल रहा है नहीं एल एच डी पॉजिटिव साइड है, बट एल ऑफ एफ डस सी क्या है, एक बार बोल रहा है कि ये नेगेटिव साइड है और एक बार बोल रहा है कि ये एफ डस सी पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और ये बोल रहा है इक्वल होगा, तो ये तभी पॉसिबल है। यहाँ पे लिख रहा हूँ हेंस दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्या हो जाए कि ये दोनों एल एफ डस सी इक्वल्स हो जाए 0 के और ये भी इक्वल्स हो जाए आर एफ डस सी 0 के, जब दोनों क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, और जब दोनों 0 के इक्वल हो गया दिस इम्प्लाई कि एफ डस सी क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, एक ऐसा पॉइंट सी मिल गया जिसके लिए एफ डस सी क्या है 0 है, जो कि रॉल्स थ्योरम है, ठीक है, तो हेंस वी गेट द रॉल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।